गांधीगंज शनिवार 27 नवंबर को रात 1:20 को केपी संवाददाता असलम खान को सूचना मिली। बीदर के गांधीगंज में संगमेश्वर ट्रेडर्स ड्राई फ्रूट्स और मसाला होलसेल और शांति किराना शॉप्स में आग लगी। घटनास्थल पहुंचकर जानकारी प्राप्त की, आग बगल वाली दुकान शांति किराना तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की दमकल वाहन आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ज्यादा आग बढ़ने की वजह से लोगों के कहने पर संवाददाता असलम खान ने जिला फायर ब्रिगेड अधिकारी को कॉल करके एक और दमकल की वाहन को बुलवाया गया, तब आग पर काबू हुआ, एक बड़ा हादसा होने से बच गया। केपी संवाददाता ने प्रहलाद और शंकर दुकानों के मालिक से इस संबंध में जानकारी दी। जिला फायर ब्रिगेड अधिकारी मोहसिन पटेल ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। केपी न्यूज संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। ये कैसा लगे सर आग, आपको कब पता हुआ है? मालूम नहीं होगा सर, आप फोन करे तो आया, ऐसे जल गए बोल। क्या नाम था ये शॉप का? शांति किराना। काहे की शॉप है ये? मतलब किराना स्टोर। आपका नाम बोलिए। प्रहलाद। कितना नुकसान हुआ होगा? लॉस 3-4 लाख। और क्या था सर किराना आइटम का? सब अंदर गोदाम वो भी है? इसमें गोदाम है मगर अंदर नहीं रखे है। फायर विभाग वाले क्या करे? हम आने के बाद आ गए। हाँ ठीक है सर। किराना ड्राई फ्रूट्स का दुकान है। एक मिनट सर, नाम बोलिए सर आपका। फिर आपका शॉप का नाम? मेरा नाम शंकर है। हाँ, संगमेश्वर ट्रेडर्स मसाला ड्राई फ्रूट्स का दुकान है जी। रात में अभी मेरे को सामने होटल वाले फ़ोन कर रहे थे 12:15 बजे करंट आप आग लगे बोल के, आके देखे तो आग लगा था। आप जाके फिर फायर ऑफिस को बुलाए, आके देखे तो पूरे अंदर से पूरे जल गया। सो है क्या क्या रहता था सर ये शॉप में? किराना ड्राई फ्रूट्स और मसाला। और लॉस कितने का हुआ सर आपको कुछ अंदाजा? हम नहीं कर सकते, पर देखना पड़ता। आपका नाम? शंकर। थैंक यू। थैंक्स।